क्वेश्चन हो गया आपके दो मिनट वेट करते हैं और भी आ गए। हाँ क्वेश्चन किया आप लोगों ने शीट के डाउट्स हैं नहीं हो गए अनुष्का डाउट्स हैं डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शीट आप इनको दे दूंगा क्लास के बाद ठीक है। देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन में आपको तीन चीजें पढ़नी है, पहला है रॉड और स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके बाद कूलिंग कांस्टेंट, और थर्ड वेज कांस्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन इसको मिक्स करके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ठीक है। एसएचएम में भी इसका एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद रोटेशन में भी इसका एप्लीकेशन आएगा ठीक है। कांस्टेंट रिलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन रियली पूछा गया, पहले इसको नोट कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया? अच्छा तो हो गया। फर्स्ट है आपका रॉड और स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए फिजिक्स में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग क्या मान के चलेंगे, जो स्ट्रिंग है वो हमेशा टाइट है ठीक है, कभी भी लूज स्ट्रिंग हम लोग एज्यूम नहीं करते।
जब तक क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन ना किया गया। अगर सिंपल स्ट्रिंग का क्वेश्चन कोई सा भी आ रहा है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्ट्रिंग क्या है आपकी, टाइट है, तो इसका मतलब उसमें टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके पास ये कोई रॉड है, ये एक स्ट्रिंग है, कुछ भी मान लीजिए, ये रॉड है, तो इसका मतलब ये क्या एक रिजिड बॉडी है। मैंने इसमें दो पॉइंट अज्यूम कर लिया, रिजिड बॉडी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से पोजीशन फिक्स है, और पोजीशन फिक्स है उसका मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां पे देख लीजिए, किसी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया ए पॉइंट है, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड बी वन, बी पॉइंट है, इसकी स्पीड आपकी बी टू, ऐसा हो सकता है ना, मैं इस प्लेन में रख के ऐसे रोटेट करूं तो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूं तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos थीटा 2 और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin थीटा 2। इसी तरीके से इधर v1 cos थीटा 1 और ये कंपोनेंट v1 sin थीटा 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मैं अलोंग द रॉड, अगर मैं अलोंग द रॉड की बात करूँ तो अलोंग द रॉड ए पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी है, बी वन कॉस थीटा वन, और उसी तरीके से बी पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी है, बी टू कॉस थीटा टू। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अलोंग द रॉड वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये अनइक्वल हो गया, इसका मतलब आगे मैंने कहा कि ए की वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा, इसका मतलब रॉड को बेंट होना पड़ेगा, तभी तो ए बी को ओवरटेक करेगा, ठीक है। आगे मैंने कहा कि बी की वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब रॉड को ब्रेक होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दोनों केस में ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी कब कहलाएगी, जब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, इसका मतलब बी वन कॉस थीटा वन शुड बी इक्वल टू बी टू कॉस थीटा टू। यहां तक नोट कीजिए, फिर कंक्लूजन लिखवाता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना। और देखिए, अगर रॉड की जगह आपके स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग के केस में भी दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर अनइक्वल हो गए तो हो सकता है कि स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाए, लूज हो जाए, या ये हो सकता है कि स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। हम लोग हमेशा मान के चलते हैं जो स्ट्रिंग है वो आपकी कैसी है, टाइट है, ठीक। तो अगर ये स्ट्रिंग का केस है या रॉड का केस है, दोनों केस में जो वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए अलोंग द रॉड और अलोंग द स्ट्रिंग, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लिखिए नोट, velocity components along the rod or string must be equal
मस्ट बी इक्वल, चलिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाइए। एक सिस्टम है जहां पे मैं एयर को 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो आपको बताना है कि बी कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। देखिए अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी कितनी होनी चाहिए 10, इसकी स्पीड भी कितनी होनी चाहिए 10, इसकी स्पीड भी कितनी होनी चाहिए 10, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक्चुअल मोशन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अब मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी किस डायरेक्शन में मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो B का कंपोनेंट होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग वो कितना होना चाहिए 10 के इक्वल, इसका मतलब BB cos 37 should be equal to 10, cos 37 की वैल्यू 4/5, ये कितना हो जाएगा BB is equal to 50 divided by 4 meter per second, आगे समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया अनुष्का -40/3 माइनस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 40/3 करेक्ट नहीं लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा आर्यन हो गया सर 50/3 आ रहा है नहीं 40/3 है करेक्ट आंसर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या चलिए
देखिए आपने मान लिया कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा BB, ठीक है, इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा BB cos 53। यहाँ पे देखें तो अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब तो ये वो, ठीक, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो 10 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन कितना हो जाएगा 10 cos 37 should be equal to 8। इसका मतलब स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए 8 के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के इक्वल, तो यहाँ से BB is equal to आ जाएगा 8 मतलब कि 40/3। क्लियर है? नोट कर लिया? एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये अभी एंगल बना रहा है 37 डिग्री, अगर ये ए नीचे की तरफ आएगा तो बी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको बी की स्पीड निकालनी है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से कीजिए। एक वॉल है, वॉल के अगेंस्ट आपने एक लैडर लगा के रखा हुआ, लैडर आपका स्लिप कर रहा, मैंने कहा कि जब स्लिप कर रहा तो उससे एंगल बना रहे 37 और ए पॉइंट की स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो बी उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, पहले वाले का 8, पहले वाले का 8 है, बी का 6 आएगा, उसका लिखते हैं 6 आ सकता। देखिए यहाँ पे तो एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन है, तो BB का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा BB cos 37 दैट इज 4/5, ये 10 है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 10 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी BB is equal to 50/4, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बीबी तो माइनस में होगा ना इस बार, तो क्यों तो नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, पहले तो डायरेक्शन ले लिया ना मैंने, क्या मतलब सर, डायरेक्शन तो ले लिया ना मेरे को, तो यहाँ पे स्पीड निकालना था ना कितनी स्पीड से जा रहा है, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया कि अपर डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है, माइनस का मतलब भी वही है कि अपर डायरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, स्टार्ट
नेक्स्ट हो गया, कितना रहे? एट ये 37 है तो ये भी 37, 10 cos 37 के लिए 8 होगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट की स्पीड इसके डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए? 8 के इक्वल। बी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसका मतलब ये बी बी, ये एंगल कितना होगा? 53। इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में बी बी कॉस 53 3/5, तो बी बी शुड बी इक्वल टू 8 to 40/3। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लिया? वेट कैसा रहा सबका? बोलिए कॉन्स्टेंट। देखिए पुली कांस्टेंट में तो बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, ठीक। मैं कोई एक के मेथड बताऊंगा जो सबसे इजीएस्ट है, ताकि क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर पाए, ठीक है। अलग अलग मेथड को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, ठीक। अब मैंने कहा कि मान लीजिए कि पुली है और पुली के साथ दो ब्लॉक लगे ए और बी। पुली मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ए भी ऊपर की तरफ जा रहा है और बी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? मुश्किल है, सोच के बताइए। ऐसे कैसे होता है? चलिए लिफ्ट में ले लेते हैं, अब हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद लिफ्ट यहाँ पहुंच चुका होगा, मतलब कि पुली यहाँ आ गया, ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया, ठीक। जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है वो तो इनिशियल पोजीशन देखेगा ना दोनों की। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैंने कहा कि ए पहले इस पोजीशन पे था, ए यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ गया। अब ये यहाँ पे देखेगा बी को, तो बी को कहेगा यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब ये ऊपर चला गया, ठीक। अगर ये पुली को देखेगा तो पुली को देखेगा और कहेगा कि ये तो पुली यहाँ पे पहुंच गई, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसको तीनों चीजें ऊपर जाते हुए नजर आ रही है ना, मतलब कि ये चीज पॉसिबल है कि हाँ ऐसा हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग मेथड सीखेंगे वो है आपका पॉइंट मेथड। मेथड को ध्यान से समझिएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। पॉइंट मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को मार्क करते हैं, ठीक है। वो उस पॉइंट को मार्क करेंगे जहां पे स्ट्रिंग पुली या ब्लॉक को टच कर रही होगी, ठीक। तो मैंने कहा कि ब्लॉक को यहाँ पे टच कर रहा है 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार पॉइंट्स आ गए। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी क्या? स्ट्रिंग की लेंथ वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, अगर मैंने 10 मीटर की कोई लेंथ ली है स्ट्रिंग की तो वो तो हमेशा 10 मीटर ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला। अब हम लोग सबसे पहले वन पॉइंट को देखते हैं। अगर मैं वन पॉइंट के बारे में बात करूं तो वन पे आपने क्या किया, टू पे हाथ रख दिया, तो ये क्या करेगा, टू के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेंथ को क्या करे, डिक्रीज करे, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी, लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। अब वन पे हाथ रखिए, टू क्या है, पुली पे है, पुली कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो टू और वन के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस बीपी, ठीक है। फिर थ्री पे आ जाइए, थ्री पे आएंगे, मैंने फोर पे हाथ रख लिया, तो थ्री वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, पुली से अटैच किया हुआ है, ठीक, ऊपर जाएगा, तो इन दोनों के बीच की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसे मैं क्या लिखूंगा, प्लस बीपी। अब मैं थ्री पे हाथ रखूंगा, फोर वाले को देखूंगा, तो फोर वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेंथ को डिक्रीज करे, इसलिए माइनस वी। नेट चेंज इन लेंथ क्या होना चाहिए, जीरो, इसलिए इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए क्या रिलेशन आ गया, बीपी इज इक्वल टू
VA plus VB divided by 2. यहां पे हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिया, ठीक। अब इसे पूछा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रहा होगा वो भी आपका सेम यही रहा होगा, तभी तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का रिलेशन यही आएगा जो वेलोसिटी का रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे जहां पे सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद टेंशन और एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। आगे कई सारे क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए, पॉइंट मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा। पॉइंट मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले को अप्लाई करते समय इस चीज का ध्यान में रखें, किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले डिराइव किया तो मैंने क्या लिया था कि तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, ठीक है। अगर कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि पुली है 4 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, ये आपका ए है, बी दिया हुआ है, बी आपका जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, तो ए कितनी स्पीड से जा रहा होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा कि पुली जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, इसको आपने ग्राउंड कर दिया और ए की स्पीड पूछी। एट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब हम लोग एसएचएम में आते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ए कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 4, है ना, वही रिलेशन है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ए कितनी से जा रहा है, उसके दुगना, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो ए कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वही रिलेशन है जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा।
सी की स्पीड निकालिए। सिक्स सिक्स चलिए चेक कर लेते हैं। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ना डिक्रीज कर रहा है माइनस टू, ये वाली पुली तो फिक्स है, मतलब ये जीरो, ये भी जीरो, ये वाली पुली कहां जा रही है नीचे की तरफ विद फोर, ये इंक्रीज कर रहा है फोर प्लस फोर, ये रेस्ट पे है तो जीरो, ये कहाँ जा रहा है मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो पहले डायरेक्शन मानना पड़ेगा ना तभी तो प्लस माइनस होगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया सिक्स मीटर पर सेकंड। अनुष्का कितना आ रहा है? पॉइंट में अंतर में जब हम पहले पॉइंट को देखते हैं तो उसके जो सामने वाले पॉइंट्स हमने ऐड कर लिए उसके रेस्पेक्ट में, जैसे अनुष्का हो गया नहीं वो ये ग्राउंड वाला पॉइंट है इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, ये तो फिक्स है। आशा तो आया 30/4 गायत्री नहीं आया सर, 30/4 आ रहा है। चलिए हो सकता भैया आ रहा। अब देखिए पॉइंट बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है।
क्योंकि मैंने वन वाले पॉइंट को देखूं तो वन वाला तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब वन और टू के बीच की डिस्टेंस क्या और इंक्रीज हो रही है। मेरे को सबसे पहले बी मानना पड़ेगा, मैं मान रहा हूँ कि बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वीबी से, ठीक है। तो मैंने कहा कि वन इधर जाएगा तो इंक्रीज करेगा इसका मतलब टेन, टू इधर जाएगा तो क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो माइनस बी ही, थ्री भी इधर जा रहा है तो डिक्रीज करेगा माइनस बी ही, फोर वाला इधर जा रहा है तो प्लस टेन, फाइव वाला भी इधर जा रहा है तो प्लस टेन, सिक्स वाला इधर जा रहा है तो माइनस बी ही, सेवन वाला भी इधर जा रहा है तो माइनस बी ही, और एट वाला तो जीरो फिक्स किया हुआ है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बी 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 बी, मतलब कि बी बी इज इक्वल टू 13/4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हाँ। एक चीज मुझे पूछनी है। बोलिए सर, ये सर डायरेक्ट सर फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो आपने बताया था वी ए प्लस वी बी बाई टू? नहीं सर, मैं तो वही लगा रहा हूँ और आ रहे हैं आंसर। वो आएंगे एक एक करके, एक एक करके लगाते जाएंगे। हाँ बस यही बात आ रही है। वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस पे लगाना पड़ेगा, फिर इस पे लगाना पड़ेगा, फिर इस पे लगाना पड़ेगा, तीन। हाँ, स्टेप। हो गया। इस डायरेक्शन में आपकी डाउन हो गया। वन आ रहा है। हाँ सही है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। अगर मैं वन वाले पॉइंट को देखूं तो वन वाला क्या करे, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस फोर, टू और थ्री तो रेस्ट पे है, पुली रेस्ट पे है, पुली मूव ही नहीं कर रही है। फोर वाला मैंने इसको मान लिया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब थ्री और फोर के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, इसमें क्या लिखूंगा माइनस बी बी। फाइव भी ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा माइनस बी बी। सिक्स और सेवन तो रेस्ट पे है, एट वाला भी ऊपर जा रहा है तो माइनस बी बी, नाइन वाला भी ऊपर जा रहा है माइनस बी बी, और ये वाला तो रेस्ट पे है इज इक्वल टू जीरो, तो बी बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है?
आयो पॉइंट ही नहीं पता पड़ रहा कहाँ है। यहाँ पे देखिए तीन स्ट्रिंग अलग अलग है तो तीन का लगाना पड़ेगा, इधर सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करे थे हर एक में सिंगल स्ट्रिंग था, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट लगाते जा रहा था। वन बाय वन हर एक स्ट्रिंग के एनालिसिस कीजिए। देखिए मैं पहले इस वाले स्ट्रिंग की करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। पहले इस वाले स्ट्रिंग की एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर इस वाले स्ट्रिंग की एनालिसिस करूंगा तो वीपी वीपी तो जीरो है, वाली पुली तो मूवी नहीं कर रही है। इज इक्वल टू VA, VA किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया इस केस के लिए, प्लस V4 डिवाइडेड बाई 2, तो V4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब 4 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग दूसरे पॉइंट लेते हैं, ये आपने कहा 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस वाले पुली के लिए देखेंगे, इस वाले के लिखूंगा तो VP क्या ऊपर की तरफ, तो आपने इसको 20 ले लिया, इज इक्वल टू VB नीचे की तरफ है तो इसको -20 प्लस V8 डिवाइडेड बाय 2, तो V8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस 20 60 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आ रहा है, मैंने ऊपर की तरफ लिया था, इसका मतलब ऊपर जा रहा होगा 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब लास्ट वाले क्या लेंगे 9 10 11 और ये 8, ठीक है। अगर इस वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर की तरफ जा रहा है VP 60 से और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो -20 प्लस VA डिवाइडेड बाय 2, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई 140 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि A ऊपर की तरफ जा रहा होगा 140 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है, नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। Thank you.
करेक्ट है हाँ ठीक है आ गया सर। देखिए वन बाय वन देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे तो फिक्स किया हुआ है ना, अगर एक पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया तो आपको पता है कि VP इज इक्वल टू क्या होता है VA बाय 2। VP तो जीरो है ना अगर एक पॉइंट को फिक्स कर दिया तो। ठीक, तो यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब ये वाली पुली नीचे की तरफ आ रही होगी 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अभी अगर ये 5 जा रहा है तो ये कितने से नीचे आ रहा होगा 2.5 मीटर पर सेकंड से, है ना, इसका आधा ही होगा पुली। ठीक, अगर ये 2.5 है तो ये कितने से जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से, ये पुली 2.5 से जा रही है तो ये इसके डबल से जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में आर्यन क्लियर है? हो गया था सर। ठीक है, find relation between AA and AB, find relationship between acceleration of A and acceleration of B, relation निकालना है आपको। direction कहाँ मानें? ये आप मानिए, आप direction मान लीजिए उसके हिसाब से निकालो। सर ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए।
देखिए इसको मान लीजिए कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसको मैंने A2 मान लिया, अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसको A1 मान लिया, ठीक। अब पॉइंट मेथड लगा दीजिए, तो पॉइंट मेथड ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वन वाला इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब माइनस ए वन, टू और थ्री यार पुली तो मूव ही नहीं कर रहा, तो जीरो। फोर वाला और फाइव वाला ये पुली नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्लस ए टू टू ए टू। उसके बाद सिक्स सेवन एट ये तो रेस्ट पे है, इसका मतलब इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए वन इज इक्वल टू क्या क्या टू ए टू, ठीक है। सेम क्वेश्चन सी भी आ गया, देखिए इसको मान लिया आपने इधर की तरफ जा रहे हैं, जिसका a1 a1 plus a3 by 2 कुछ ऐसे ही आएगा। ये यहां तक तो रिलेशन वही है, माइनस ए वन प्लस टू ए टू, उसके बाद इधर जाएंगे लेंथ को डिक्रीज कर रहे थे, इसका मतलब माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपने लिखा ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू टू ए, कीजिए। ऊपर वाले पर दो पॉइंट लेंगे हम, उन्हें पहला वाला पॉइंट तो 10 से ज्यादा आगे।
ध्यान से कीजिए। हाँ मेरे को सर सवाल समझ सा नहीं आ रहा है। सर ये इधर जाएगा तो जो स्ट्रिंग है वो तो स्लैक होती चली जाएगी। स्लैक क्यों होगी? नीचे ये वेट नहीं है, बी लगा हुआ, बी वेट है ना। यस सर। हाँ तो वेट के कारण स्ट्रिंग स्लैक होने नहीं देगा, वो नीचे आएगा बी। ठीक है ठीक है। गलत। सर जो ऊपर वाले को पॉइंट है वो तो 10 मीटर से आगे चलेंगे, उसी डायरेक्शन में तो बी की ओर लेनी पड़ेगी सर। विथ रेस्पेक्ट टू वेज कीजिए, हिंट दे रहा हूं। With respect to wedge, analysis start कीजिए। Observer को मान लीजिए वो कि A पे बैठा हुआ है, वो देखिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेशन के स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में इसका एप्लीकेशन आता है, इसी क्वेश्चन का। आपने किया होगा कि अगर मैं ऊपर एक ब्लॉक को रेस्ट पोजीशन से रिलीज करूं वो नीचे की तरफ आएगा तो ये जो वेज है वो कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, ऐसे किया ना क्वेश्चन। तो उसको हम सेंटर ऑफ मास से करेंगे, कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है उसका। गलत। अरे कीजिए, बहुत आसान है, मैं करूंगा तो बोलेंगे इतना आसान था क्वेश्चन। सर एट। गलत। इसने सारे क्वेश्चन कर दिए। हिंट दे रहा हूँ, वेज के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कीजिए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कितना? नहीं गलत। अरे किसी एक का तो सही आना चाहिए, पांच पांच दिमाग लग रहे हैं। गलत।
12.5 गलत। मेरे को ही बताना पड़ेगा क्या? 25/6 गलत। मान लीजिए कि आप बेंच पे बैठ गए, अगर मैं बेंच पे बैठ गया इसका मतलब मैं तो रेस्ट पे आ गया ना, ठीक है। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया तो उसको क्या लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहा, ये मेरे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसको ये लगेगा ना, ठीक। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो आप पॉइंट ले लीजिए 1, 2, 3, 4, ये तो नीचे जा रहा है, ठीक। तो आपको क्या लगेगा, 1 इसके पास आ रहा है तो लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो -10। ये वाला पुली किस पे बना हुआ है? ये तो वेज के साथ ही बना हुआ है ना, तो अगर वेज रेस्ट पे है तो पुली रेस्ट पे, तो 2 और 3 क्या रेस्ट पे है, और बी वाला पॉइंट क्या करे नीचे की तरफ जा रहा, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा एक लाइन करना। आर्यन आ गया? अगला क्वेश्चन करेंगे ना। अब तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बी की स्पीड निकाली, गलत। देखिए देखिए ऐसे कीजिए कैलकुलेशन, 40 नहीं आए। So 20 सही है। सबका आ गया 20? इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। एक मिनट सर, फिगर नहीं बना। अरे फिर आंसर कैसे निकाल लिया देख के?
ठीक है सर, बना दे। अब देखिए बैच कॉन्स्टेंट, मैंने कहा ये थीटा एंगल है, ये बीच में क्रॉड है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर ये रॉड नीचे की तरफ आएगा तो ये वेज कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड में। ये मैंने कहा कि ग्राउंड पे रखा हूं, ठीक है। अगर ये रॉड नीचे की तरफ आएगा तो ये वेज कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपने मान लिया ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है v1 स्पीड से और ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है v2 स्पीड से, ठीक है। तो अगर ये रॉड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बताइए क्या रॉड इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है क्या? नहीं ना, ये तो सिंपल इस पर स्लाइड करेगा, ठीक, इसके कारण ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखते हैं। मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है ए पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है बी पॉइंट, ठीक है। अब मैं सिर्फ ए और बी को देखूंगा, क्या ऐसा है, ए पॉइंट यहाँ पे था रॉड पे और बी पॉइंट कहाँ पे था बेंच पे। ए और बी को देख रहा हूँ, ए कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, ए आ रहा है बी टू स्पीड से और बी इधर की तरफ जा रहा है बी वन स्पीड से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये एंगल आपको दिया हुआ था थीटा, अगर ये एंगल थीटा है इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे v2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालूं तो v2 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v2 cos थीटा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब v1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 sin थीटा, ठीक। तो मैं सिंपल a और b को देख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये आपका कॉन्टेक्ट सर्फेस था, इस कॉन्टेक्ट सर्फेस पे जो a की स्पीड है, a की स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, v2 cos theta, ये a की स्पीड है। अब मैंने कहा कि यहां पे जो b पॉइंट था, b पॉइंट की स्पीड कितनी है, b पॉइंट ये था, है ना, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, v1 sin theta। अब ये बताइए रॉड ना ही इसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, ना ही रॉड और वेज के बीच में सेपरेशन आ रही है, रॉड तो हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगा ना जब तक नीचे आ रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रहेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी टू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू बी वन साइन थीटा, और सेपरेशन भी नहीं आ रही है तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए ना। अगर किसी की भी स्पीड ज्यादा हो गई या तो पेनिट्रेट हो जाएगा या तो दोनों के बीच में सेपरेशन, ठीक है। तो या ना ही इसमें पेनिट्रेशन हो रहा है, ना ही दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है। तो वेज कांस्टेंट में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे v2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v1 sin थीटा, यहां तक नोट कीजिए, फिर एक पॉइंट लिखवा देना।
नोट कर लियो, चलिए लिखिए पॉइंट नोट। इन वेज कॉन्स्टेंट, इन वेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द contact surface must be same. Contact surface के perpendicular direction में velocity का component क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं v1 sin theta is equal to v2 cos theta, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, tan theta is equal to v2 by v1, ठीक है। जो रिलेशन वेलोसिटी का होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a2 by a1 is equal to tan theta, that means a2 is equal to a1 tan theta। यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया बहुत साल पहले, ठीक है। और ऐसा आपने देखा होगा वेज कॉन्स्टेंट में, जब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के रिलेशन आते हैं। तो हम लोगों का कांस्टेंट रिलेशन खत्म हो गया। कांस्टेंट रिलेशन पे बहुत टिपिकल क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैं सिर्फ उतने ही पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनकी मदद से मैं आगे वाले क्वेश्चन को पिक कर सकता हूँ, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी चीजें आपने पढ़ी है, जो मैं आप लोगों को शीट दे रहा हूँ, बस उतने क्वेश्चन कीजिए, काफी है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक। तो आपको जैसे कि बीएम शर्मा बुक उठाएंगे तो कांस्टेंट मोशन पे कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार के क्वेश्चन का आपको थीसिस सुना लिखनी है इसमें कि कांस्टेंट मोशन पे थीसिस लिखी जाए, ठीक। हमें कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिएगा कि मैं जितनी चीजें बोलूं उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि मेरे को एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और जो जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं खुद ही डिटेल में जाऊंगा, क्या यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मोशन सिर्फ एप्लीकेशन है एडवांस के क्वेश्चन के, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट वहां पे यूज हो जाता है छोटे छोटे रिलेशन निकालने के लिए, जैसे कि एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे टाइम पीरियड निकालने में रिलेशन में यूज हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड्स में थोड़ा सा यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट और मैकेनिक्स को जोड़ देते हैं, उसके बाद जब ऑप्टिक्स भी जोड़ देते हैं उस समय थोड़ा सा यूज हो जाता है। क्वेश्चन को अगर मेरे को डिफिकल्ट बनाना है तो मैं मैकेनिक्स भी लगा दूंगा, उसको पानी में डाल दूंगा, नीचे मिरर भी लगा दूंगा और नीचे लेंस भी लगा दूंगा, हो जाएगा एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तीन चार चैप्टरों का मिश्रण, ठीक। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट मोशन हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फोर्स के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, टॉर्क तो बाद में आएगा, फोर्सेस कौन कौन से हैं, नॉर्मल क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन लास्ट पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज कांस्टेंट तक। अभी मैं आप लोगों को शीट दूंगा, उसमें कांस्टेंट से रिलेटेड कर लगभग 20-22 क्वेश्चन है, उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल इतना कर लिया तो कांस्टेंट के क्वेश्चन सभी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, ओके बाय सर। सर हां, बोलिए 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 सर। कल टेस्ट नहीं है? बोलिए, नहीं कल नहीं है, परसों है। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि आप लोगों की जो छुट्टियां हैं वो 13 से स्टार्ट है, ठीक। तो दिवाली से पहले हम लोग 12 तारीख को टेस्ट देंगे, ठीक है सर। ठीक, हाँ घर बैठ के दीजिए, यहाँ आके दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग बैठ के दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज और सर, वो टेस्ट का सर पर्टिकुलर टाइम होगा कि उस दिन कभी भी दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम कल डिक्लेयर कर दूंगा कि कितने टाइम पे होगा, ठीक है सर। ठीक है, 11-12 बजे के आसपास में टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।